हनी पाजी की मॉम की, तो उन्होंने आज इंस्टाग्राम के ऊपर एक फोटो शेयर करी है जिसके कैप्शन में लिखा है विद माय हीरो। इस फोटो को देख के लग रहा होगा कि हनी पाजी ने हेयर्स और बियर्ड ब्लैक करा ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फोटो शायद पुरानी है, 3-4 महीने पहले की। पीछे जो घर आप लोग देख रहे हो ये पाजी का दुबई का घर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो पिछले कुछ टाइम से अगर आप सबने नोटिस किया हो तो हनी पाजी रेड बुल को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, चाहे सॉन्ग्स हो, इंटरव्यूज हो या फिर उनकी कोई भी वीडियो, हर जगह आपको उनके हाथ में रेड बुल नजर आ जाएगी। लेकिन क्या आप सबको इसके पीछे का रीजन पता है? वेल, हनी पाजी ने अभी अभी एक वीडियो शेयर करी है जिसमें क्या बोला जा रहा है आप लोग सुन लो। तुम्हें पता है हनी सिंह हर जगह रेड बुल लेके क्यों घूम रहे हैं? गाने में डाल दी रेड बुल नाल गला सिखंब लगे मेरे थॉट्स नु। इंटरव्यू में ले जा रहे हैं। एक्चुअली हनी सिंह और रेड बुल की स्टोरी बहुत सिमिलर है। 7 साल गायब रहने के बाद जहां लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं, वहां पर हनी सिंह का स्टार्डम बिल्कुल कम नहीं हुआ। और ऐसा ही हुआ रेड बुल के साथ। 90% मार्केट शेयर गिर चुका है लेकिन फिर भी रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है। सो बात तो एकदम सही है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि हनी पाजी रेड बुल के हिडन ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने बैलेंसियागा के बाद स्टारबक्स को पेलते हुए बायकॉट की स्टोरी लगाई थी। मतलब आप लोग एक चीज समझ लो, हनी पाजी के साथ अगर कोई भी चीज दिख रही है तो उस चीज के पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो पुनीत सुपरस्टार का अभी अभी एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने हनी पाजी, जियान भाई और गिरफ्तार पे रिप्लाई किया है। आप लोग खुद सुन लो वो रियल लाइफ में किसको रिस्पेक्ट देते हैं। हनी सिंह नाम है उसका। अच्छा, वो मतलब वो मेरा फेवरेट है भाई। क्योंकि जो वो कर सकता है ना, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो उसने मुकाम हासिल करा है। मतलब क्या था वो उस जमाने से, उसके गानों से कहीं ना कहीं डिप्रेशन से दूर होता है बंदा। मतलब जो उसमें, मतलब जैसे उसको रैपर समझ लो या सिंगर समझ लो, वो लाखों करोड़ों लोगों, मतलब यार अभी एक मैंने डायलॉग मारा था ना, ये किसी का था कि हजारों लोग भी आएंगे ना तो भी हनी सिंह जैसा बंदा नहीं बन सकता। तो आपको जैसे ये बादशाह है, किंग है, रफ्तार है, उनके कंपेयर में भी ज्यादा आपको हनी सिंह? नहीं भाई, हनी सिंह के मुकाबले में ना तो बादशाह है, ना किंग है, ना रफ्तार है। ये अगर 100-100 साल भी वीडियो, मतलब अपने सिंगिंग देंगे या मेहनत करेंगे तो भी ये हनी सिंह जैसा काम नहीं कर सकते, बॉलीवुड हो या सोशल मीडिया हो, जो हनी सिंह ने काम कर दिया। बिल्कुल भाई, ट्रेंड तो उन्होंने सेट किया था, ट्रेंड उन्होंने सेट किया था भाई। मुझे तो उन जियान फैंस पे तरस आ रहा है जो कि कुछ दिन पहले हनी पाजी के ऊपर पुनीत सुपरस्टार की सार्केज्म वाली वीडियो शेयर कर रहे थे। खैर अभी हम लोग बात करें जियान भाई की, तो नॉडी खान ने फिर से एक स्टोरी शेयर करी है जिसमें आप लोग देख सकते हो एक था राजा लिखा हुआ है। ये स्टोरी आरडीएम ने भी शेयर करी है। मतलब खाना पक चुका है, डिश एकदम रेडी है, लेट्स सी इसे कब परोसा जाता है। यही नहीं, अभी अभी इंदी भाई ने ये रिवील कर दिया है कि 20 दिन के अंदर उनकी एल्बम आने वाली है जिसका सेकंड ट्रैक डिश है, वो भी जियान भाई के ऊपर। सो वेट करो इसका। मेरे ही गानों को बेच के बॉलीवुड में मुझ पे ही केस लगाया इस तल्ले ने, सब मिलके बोलो ये चोर है, ये चोर है, इट्स योर बॉय। मजा ये।